XUV 300 का, आप AC मोड डुअल डुअल को कैसे यूज कर सकते हैं। XUV 300 का डुअल AC को कैसे यूज कर सकते हैं और मेमोरी का इसमें क्या काम है, वो कैसे सेट करते हैं, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारा बटन दिया हुआ रिसर्कुलेशन का, डुअल मोड टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ऑन ऑफ, मेमोरी और विंडशील्ड के लिए। तो इसमें आपको नॉर्मल अगर AC यूज़ करना है तो अपना आप अपने हिसाब से लोअर स्पीड सेट करेंगे, AC को ये करेंगे। अभी नॉर्मल मोड में क्या होगा ना, AC चल रहा है, आप यहाँ पे जितना टेम्परेचर में सेट करेंगे उतना चलेगा। अभी इधर का और इधर का अलग अलग टेम्परेचर में करना है, तो आपको डुअल प्रेस करना होगा। अगर डुअल ऑफ रहेगा तो दोनों टेम्परेचर एक रहेगा, इधर भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगा, और इधर कम करेंगे तो उधर भी कम होगा। अभी क्या ना, सिंगल मोड है, यानी ड्राइवर और कौन ड्राइवर दोनों में सेम टेम्परेचर होगा। अभी आप डुअल यूज करना चाहते हैं, कोई ड्राइवर अलग अपना टेम्परेचर यूज करना चाहता है, ड्राइवर अपना अलग टेम्परेचर यूज करना चाहता है, तो आप यहाँ पे इसको डुअल को प्रेस करेंगे, ये डुअल मोड में चला गया है, यहाँ पे डुअल लिख कर आ जाएगा, और ये आप अपना अलग टेम्परेचर सेट कर सकता है, यहाँ पे आप देखें, और ड्राइवर अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है। और इसमें मेमोरी जो दिया हुआ है, यानी मेमोरी M1, M2, M3 तीन मोड इसमें सेव कर सकते हैं। आप एयर का डायरेक्शन क्या सेट करना है कर लीजिए, जैसे कि होता है ना कि सुबह का टेम्परेचर कुछ और होता है, शाम का टेम्परेचर कुछ और होता है, तो आप ना इस तरह का तीन मोड बना करके इसमें मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो वो कैसे सेव करना है ना, कि आप डुअल मोड में गए, इसको अपना टेम्परेचर सेट कर दिया, जैसे हम इसको लो में सेट कर दिए, ठीक है, एक मिनट, इसे मेमोरी में जाएंगे, ये मेमोरी में गए, ये पहले का सेट किया हुआ, इधर का 18 इधर का 18.5। अभी क्या करते हैं ना, मेमोरी 2 में कितना है, 18-19, मेमोरी 1 को हम चेंज करेंगे। तो कैसे सेव करना है, इधर का टेम्परेचर आपको जितना रखना है आप सेट कर लें, जैसे इधर मैं 20 कर देता हूँ, उधर 18 है। अब मेमोरी को हम कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ये मेमोरी का लाइट ब्लिंक करेगा और ये M1 यानी मेमोरी 1 में सेव हो गया। अब आपको इस टेम्परेचर पे, इस स्पीड पे आपको कभी भी आपको चाहिए तो आप क्या है ना, डायरेक्ट मेमोरी प्रेस करेंगे, अपना M1 में चले जाएंगे, मेमोरी 1, अब क्या वो ऑटोमेटिक वो आपका इस लोअर स्पीड, टेम्परेचर, एयर डायरेक्शन सारा उसमें सेव किया हुआ, सारा अपने आप हो जाएगा। इसी तरह का आप तीन मोड सेव कर सकते हैं।